नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन से आए नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं, मौजूदा वैक्सीन नए कोरोना स्ट्रेन पर भी करेगा काम। पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला दिन, आर्थिक ताकत बनने की दिशा में बढ़ रहा भारत। कनॉट प्लेस को अलविदा कह गया मैडम तुसाद संग्रहालय, दिल्ली एनसीआर में ही तलाशा जा रहा दूसरा विकल्प, लॉकडाउन के समय से ही बंद है मैडम तुसाद। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने देश में काफी दिक्कतें बढ़ा दी हैं, लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो मौजूदा वैक्सीन है वो यूके और साउथ अफ्रीका के कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। महामारी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है, भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केसेस मिले हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी, लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान वैक्सीन इन कोरोना वेरिएंट से बचाने में नाकाम रहेगी। वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 71 सी आई हैं, और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के, जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में, जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है इसके असर क्या हुआ है, इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में, उससे एक चीज़ सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शियसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको एनहांस करता है ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है। सरकार की ओर से ये बयान तब आया है जब मंगलवार को ही यूके से लौटे 6 लोगों में नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। यूके से लौट रहे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है, जिसमें अलग अलग लैब में टेस्ट किए गए सेक्शन के बारे में बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तो थम गई है, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से लोगों में चिंता बढ़ गई है। ये वही स्ट्रेन है जिसकी वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई है और अब भारत में भी 6 कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन के पॉजिटिव केसेस भी पाए गए। इस बात की पुष्टि केंद्र सरकार ने खुद की है और अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। आखिर कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी है। ब्रिटेन में इस नए स्ट्रेन के बाद से भारत सतर्क था। ब्रिटेन से आए मुसाफिरों की लगातार कोरोना जांच की जा रही थी। हजारों मुसाफिरों में 6 ऐसे मिले हैं जो कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित थे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हम कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए तैयार हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लहर थी, जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कई हजार लोग यूके से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरे। इनमें से 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत के अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजे गए। तब पता चला कि 6 लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। कोरोना के नए स्ट्रेन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, जिसके बाद यूरोप के कई देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस।
साल 2021 आने वाला है, साल 2020 में तो कोरोना ने अपना कहर दिखा ही दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साल 2021 में अब कोरोना की रफ्तार थम सी जाएगी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के मात्र 16,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 6 महीने बाद इतने कम मामले सामने आए। इसके बाद अब आंकड़ा 1,02,00,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 98,00,000 के पार है। साल 2020 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। कोरोना ने साल लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर डाली, लेकिन साल खत्म होते होते कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। अब भारत में कोरोना वायरस का असर कम होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,432 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 6 महीनों में दर्ज किए गए दैनिक मामलों से सिर्फ 500 कम है। इतने कम मामले ऐसे समय में आए हैं जब केंद्र सरकार ने कहा कि यूके से भारत आने वाले 6 यात्रियों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का जीनोम मिला है। इसने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। नए मामलों के साथ देश में अब कोविड-19 के कुल मामले 1,02,24,303 हो गए हैं। इसी दौरान देश में वायरस से 252 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,48,153 हो गई है। 23 जून को भारत में कोरोना वायरस के 15,968 और एक दिन बाद 24 जून को 16,922 मामले दर्ज हुए थे। पिछले 24 घंटों में देश में 24,900 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 98,07,569 हो गई है। देश में फिलहाल 2,68,581 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं और देश में रिकवरी रेट 95.83% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक सोमवार को देश में 9,83,695 सैंपल्स की जांच की गई, जिसके बाद कुल सैंपल्स की जांच की संख्या 16,98,01,749 हो गई है। आपको बता दें कि 70% से ज्यादा मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आ रहे हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात शामिल है। हालांकि नए साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं और नए साल के जश्न में इस कोरोना स्ट्रेन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अब भारत को इंतजार है तो सिर्फ कोरोना वैक्सीन का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही अब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को तेज करने में मदद मिलेगी और माल ढुलाई की रफ्तार में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही EDFC के ऑपरेशन कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के 351 किलोमीटर लंबी न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद हम देश के सबसे उन्नत रेल खंड के उद्घाटन के साक्षी बन रहे हैं। नई भावपुर खुर्जा खंड पर चलने वाली पहली मालगाड़ी नए आत्मनिर्भर भारत का संदेश देगी। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी, तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नियोजन, विकास, वित्तीय संसाधन जुटाने, निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए एक विशेष उद्देश्य के रूप में स्थापित किया गया है। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में यात्री और मालगाड़ी एक ही पटरियों पर चलती है, इसके चलते मालगाड़ी की गति धीमी होती है। सबसे बड़ा माध्यम
हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है, ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न कॉरिडोर का भी निर्माण करवा रही है। ये ग्रेटर नोएडा की दादरी से शुरू होकर मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बन रहा है। केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में पूरे देश में मालवाहक ट्रेनों के लिए अलग से पटरियां बिछाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। मैडम तुसाद, दिल्ली वालों और दिल्ली घूमने आने वालों के लिए हमेशा से एक खूबसूरत जगह रही है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वालों में काफी कमी आ गई। फिर अनलॉक भी हुआ, लेकिन पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना बहुत कम देखने को मिला। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि मैडम तुसाद को बंद कर दिया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नई दिल्ली तकरीबन 9 माह से बंद चल रहा है। उनके पुतलों का संग्रहालय मैडम तुसाद कनॉट पैलेस को अलविदा कह गया है, लेकिन दिल्ली NCR में ही इसे फिर से खोलने की कवायद शुरू होने वाली है। दिल्ली NCR में ही मैडम तुसाद को फिर से खोलने के लिए दूसरी जगह ढूंढी जा रही है। जानकारी के अनुसार कनॉट प्लेस छोड़ने का कारण साफ सफाई के अलावा स्ट्रीट हॉकर्स भी बताया जा रहा है। कंपनी ने तय किया है कि मैडम तुसाद के लिए ज्यादा साफ सफाई वाली जगह वही भविष्य में आपदा को मद्देनजर रखते हुए एक जगह ढूंढी जाएगी, ताकि लोग भी बेफिक्र होकर मैडम तुसाद देखने आ सकें। बता दें कि मैडम तुसाद के संग्रहालय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व एशिया में 23 से अधिक शहरों में स्थित है। मैडम तुसाद में 50 प्रसिद्ध हस्तियों के मोम के पुतले मौजूद थे, जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते थे। वैसे वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन होने से पहले ही ये मार्च से बंद कर दिया गया था। अनलॉक के दौर में मल्टीप्लेक्स के खुलने के साथ इसके संचालन से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें भी संग्रहालय खोलने की अनुमति मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS News Plus बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।